हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ रेलवे वाले बच्चों के लिए साइंस की क्लास। दोस्तों इस बार आप सब जानते होंगे कि रेलवे की एग्जामिनेशन में 25 नंबर का 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस से आने वाला है। निश्चित ही साइंस का जो इस बार वेटेज है रेलवे ने काफ़ी खासा बढ़ा रखा है, 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको पढ़ना है, साइंस की तैयारी करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी अम्ल क्षार व लवण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने दो लैंग्वेज में यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैनेज करिएगा, समझिएगा और समझ करके अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके क्लासेस बनाई गई हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी अपनी तैयारी इस क्लास से कर सकते हैं। दोस्तों तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सबको केमिस्ट्री का एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार व लवण, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेशली अम्ल के बारे में, यानी स्पेशली एसिड्स के बारे में, कि आखिर एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके यूजेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एसिड्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक होता है एलिमेंट, यानी कि तत्व। आप सब जानते हैं कि किसी भी जो है रासायनिक कंपाउंड का सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है, तत्व होता है। तत्व से छोटा होता है परमाणु, परमाणु यानी कि एटम, यानी एटम से मिलके बना होता है एलिमेंट, और एलिमेंट से मिलके बनता है कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, एटम सबसे छोटा होता है परमाणु, परमाणु या एटम से मिलके क्या बनता है, एलिमेंट यानी तत्व बनते हैं। अब जितने तत्व होते हैं उतने तरह के आपके परमाणु यानी एटम भी होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि कुल 118 तत्व होते हैं, यानी देयर आर 118 एलिमेंट्स, यानी टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 118 तरह के परमाणु भी होंगे। अब इन 118 एलिमेंट को आपस में मिला देने से एक प्रॉपर रेशियो में मिला देने से क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, यानी कि यौगिक बन जाता है। अभी जितने भी केमिकल कंपाउंड यानी जितने भी ये रासायनिक यौगिक होते हैं उनको तीन भागों में बांटा जाता है, स्पेशली एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, उनके तीन ही हिस्से होते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल क्षार व लवण। ध्यान दीजिएगा, मैंने चैप्टर को रिलेट किया है काफ़ी शुरुआत से, एटम से मिलके बना एलिमेंट यानी तत्व बना, तत्वों के मिलने से बना यौगिक यानी कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, या तो वो अम्ल होंगे, या तो वो क्षार होंगे, या तो वो लवण होंगे। तो बेसिकली मैं एक एक करके अम्ल क्षार व लवण तीनों आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अम्ल की, आखिर अम्ल क्या होता है। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के बारे में वो कौन सी बात है जिन्हें हमें जानना चाहिए, जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे और भविष्य में भी आते दिखेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं एसिड्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों लैंग्वेज में फिर से मैंने लिखा है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी एसिड्स हैव शावर टेस्ट, यानी जितने भी एसिड होते हैं ना उस स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिएगा एक लेमन, नींबू बीच से कट करिएगा, उसको आप चखिएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, यानी लेमन भी क्या है, एसिड है। यानी जितने भी एसिड होते हैं उनका स्वाद क्या होता है, बिल्कुल शावर होता है, यानी खट्टा होता है। सेकेंड पॉइंट, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, यानी एसिड्स क्या करता है, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के वहाँ मैं पूरा इंडिकेटर्स यानी सूचक आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। फिलहाल आप यहाँ इतना याद कर लीजिए कि जो अम्ल यानी एसिड जो होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जैसे कि आप ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिएगा, उस पर जैसे ही आप एसिड डालोगे ना वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यही इस बात का मतलब होता है। थर्ड पॉइंट, अम्ल हमेशा एच आयन को विस्थापित करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं कि आखिर एसिड्स में क्या होता है जो हमेशा होता है, यानी वो कौन सी एसिड्स में वो कौन सी बात है जो सारे एसिड में होती है, HCl, H2SO4, HNO3, किसी भी तरह का एसिड्स हो वहाँ एक चीज़ कॉमन होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है H पॉजिटिव का होना, यानी H पॉजिटिव जो है ना वो हर तरह के एसिड में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लाइन बहुत ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा, जैसे कि HCl
ध्यान दीजिएगा HCl है तो यहाँ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ये डिस्प्लेस हो रहा है। H2SO4 तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव में ये डिस्प्लेस हो रहा है। ये रहा हमारा ये मान, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि आखिर एसिड में वो कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन होती है, तो आप कहिएगा एच पॉजिटिव। किसी भी तरह का एसिड हो उसमें एच पॉजिटिव का होना बेहद ज़रूरी है, बिना उनके एसिड होगा ही नहीं, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एच यानी जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। और आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बोलिए या उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए या उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए, वो सब एक ही तो होता है। आप सब जानते हैं किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उनके प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, उनमें कोई फर्क नहीं होता है, आपको ये बिल्कुल पता है। तो वही होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि एच आयन 1 होता है, ये एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, प्रोटॉन भी 1 होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को कर देता है डिस्प्लेस और यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो जाती है ज़्यादा, इसलिए इसको हम कहते हैं एच पॉजिटिव। समझ में आया आपको क्यों इसे एच पॉजिटिव कहते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन को ये करता है डिस्प्लेस, प्रोटॉन की संख्या जाती है हो जाती है ज़्यादा, इससे इनको बोलते हैं एच पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि जो अम्ल का पीएच मान है वो 7 से कम होता है, यानी पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स आर लेस देन 7, यानी एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, 7 से हमेशा कम होगा। अब जितना पीएच मान कम होगा ना उतना एसिड तगड़ा होगा, यानी एसिड अगर पीएच मान एसिड का 2, 3, 1 है तो वो कहीं ज़्यादा प्रबल, कहीं ज़्यादा स्ट्रांग, कहीं ज़्यादा डेंजरस होगा कंपेयर टू उन एसिड्स के जिनका पीएच मान 5, 6 और 7 होगा। आप समझ रहे हैं ना, पीएच मान का कम होना एसिड्स का प्रबल यानी स्ट्रांग होना, पीएच मान का ज़्यादा होना मतलब एसिड्स का कमज़ोर होना, और वो ज़्यादा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 7 से कम 6.99 तक हो सकता है। जैसे ही पीएच मान 7 हो जाता है वो एसिड ना होके बल्कि वो हो जाता है वाटर, यानी वो हो जाता है उदासीन, वो बन जाएगा वाटर। ठीक है भाई, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी आपको। तो आप करिएगा क्या, स्क्रीनशॉट लेकर के इन चीज़ों को नोट्स करके चलिएगा, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ रहा होगा, 2 दिनों बाद ये सारी चीज़ें दिमाग से गायब हो जाती हैं, फिर आपके दिमाग में बचता है सिर्फ कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न कहीं भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी है चीज़ों को ढंग से प्यार से नोट्स बनाकर लिखते हुए समझते हुए याद करते हुए आप आगे पढ़िए दोस्तों। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की तरफ कि आखिर एसिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से रिपीटेडली बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से इनको समझिएगा। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड, यानी एसिड को 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये नेचुरली ऑकरिंग, ये हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, ये खुद ब खुद पाए जाते हैं, और जो आपके मिनरल एसिड होते हैं ये मैनमेड होते हैं, यानी इसे इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया है। यानी कि जो आपके ऑर्गेनिक एसिड है ये नेचुरली हैं, ये खुद ब खुद प्रकृति में पाए जाते हैं, तो वहीं जो मिनरल है इसे मैन ने, इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाया हुआ है। भाई देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर यानी सिरका में पाया जाता है। सेकेंड है साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। थर्ड है ऑक्जेलिक एसिड जो कि टोमेटो यानी टमाटर में पाया जाता है। फोर्थ है लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क, खट्टे दूध वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड जो कि टैमराइंड यानी इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड जो एंट स्टिंग यानी चींटी के काटने पर होता है। देखिए दोस्तों चींटी आपको काटती है तो क्या होता है, हल्का सा आपके बॉडी में लगता है ना कुछ पेन टाइप का होता है थोड़ा सा ना, तो वो हमारे ब्लड में क्या करता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है जिससे कि हमारे खून में थोड़ी प्रॉब्लम होने पर हमें थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है जो चींटी के डंक में होता है, तो चींटी हमारे खून के अंदर छोड़ देती है जब वो हमें वो काटती है, जब हमें वो स्टिंग लगाती है। तो
दोस्तों ये है हमारे ऑर्गेनिक एसिड। और बार बार क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ऑक्जैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आखिर टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आखिर फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है। यही क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो ये वाला कॉलम आप बिल्कुल बिल्कुल लिख करके कॉपी पे बिल्कुल आप याद कर डालिए, याद करके लोगों को बताना शुरू करिए, क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे ना तो ये चीज़ें आप होल लाइफ नहीं भूलेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं एसिड का जो सेकेंड टाइप है यानी कि मिनरल एसिड, जो कि मैन मेड है, जो इंसानों ने बनाया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इनमें सबसे पहला नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। सेकेंड सल्फरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। थर्ड है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनका हिंदी इनका नाम ही होता है तो मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, आप इतनी इंग्लिश समझिएगा, क्योंकि अगर आपको रेलवे के लिए फाइट करना है, कंपटीशन निकालना है और आप इतनी भी इंग्लिश नहीं जानोगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कोई भी कंपटीशन में फाइट करना। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होता है वो मैन मेड होता है, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली होता है और उनके नाम और टाइप्स ये होते हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जितने भी नेचुरली एसिड है यानी जो ऑर्गेनिक एसिड है ये एडिबल है। एडिबल मतलब खाने योग्य है, इन्हें आप खा सकते हो, ये आपके बॉडी में उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कई एसिड तो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे खट्टे फलों में जो आप खाते हो, आप जानते हो कि फल खाना कितना बेहतर है, फल खाना बॉडी के लिए कितना बेहतर आप जानते हो, और ये फलों में पाया जाता है तो निश्चित ही हमारे लिए बेहतर होगा। सेकेंड लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, टोमेटो, टमाटर, विनेगर, सिरका सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, सिरका, तो ये भी कहीं ना कहीं एसिड में होता है, इनमें भी एसिड होता है, तो ये सब एडिबल है, खाने योग्य है, ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है। वहीं अगर बात करूँ मिनरल एसिड की, जो मैन मेड है, ये सारे जो है कोरोजिव नेचर वाले हैं, इन्हें खाना मतलब अपना जान गंवा देना, इनको टच करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा, मिनरल एसिड को आप टच नहीं कर सकते। मिनरल एसिड को आप जो है लोहे के बर्तन वगैरह में भी अगर आप रखिएगा ना तो ये धीरे धीरे लोहे को भी काट डालता है, यानी इसको लोहे के बर्तन में भी आप रख नहीं सकते। इसको किसी भी मेटल के साथ आप रखोगे तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उस मेटल को धीरे धीरे क्या कर जाता है, ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। चूँकि ये कोरोजिव नेचर वाले हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आइए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद कि आखिर कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा एसिड वीक होता है, और किन कारणों से वो स्ट्रांग होता है, किन कारणों से वो वीक रह जाता है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कौन स्ट्रांग एसिड होता है और कौन वीक एसिड होता है, और किन कारणों से वो स्ट्रांग होता है और किन कारणों से वो वीक रह जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, होता क्या है, स्ट्रांग एसिड जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, यानी जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जो एडिबल नहीं होते, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रांग एसिड होते हैं। और कारण क्या है, कारण है एच आयन का डिजॉल्व होना। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है और वो है एच आयन यानी एच पॉजिटिव का होना। तो जितना ज़्यादा एच आयन का डिजॉल्व होगा, उतना ज़्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वहीं अगर मैं बात करूं वीक एसिड की, जितने भी कार्बनिक एसिड होते हैं वो होते हैं वीक एसिड, और रीज़न सेम है एच आयन का डिजॉल्व होना। यहाँ जो एच है वो कम डिजॉल्व होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और यहाँ एच आयन ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं इसलिए क्या होते हैं आपके, स्ट्रांग एसिड होते हैं दोस्तों। तो ये रहा स्ट्रांग एसिड और ये रहा वीक एसिड। अब दोस्तों होता क्या है, जो ये स्ट्रांग एसिड होते हैं ना, यानी जो ये मिनरल एसिड होते हैं ये स्ट्रांग होते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो मिनरल एसिड को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है ये बड़ा गाढ़ा सा होता है, इसमें पानी न के बराबर होता है, पानी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम करते क्या है, जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मिला देते हैं वाटर, यानी क्या मिला देते हैं, वाटर, यानी कि जब हम पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो बन जाता है डाइल्यूट एसिड। क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिला देने से क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। अब आप करिएगा क्या, कभी भी देखिएगा लेबोरेटरी वगैरह में जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिला के डाइल्यूट बनाया जाता है तो बड़ी सावधानी रखी जाती है,
करना क्या होता है, जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आप पानी डालोगे, होता क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा यानी बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, और ये सारे जो एसिड होते हैं ना, ये ऊपर आपके जो है ना, जैसे छिड़क से जाते हैं, ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, ऊपर बिखर से जाते हैं, जो कि आपके फेस वगैरह पे, आपके कपड़े पे आ जाएंगे। और फेस और कपड़े पे अगर एसिड आ जाता है तो उसका नुकसान क्या होगा आप जानते ही हैं, वो आपके चेहरे को, वो आपके कपड़े को जला सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसलिए जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिला के डाइल्यूट बनाइएगा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि फेस को दूर रख के और बड़े नॉर्मली तरीके से आराम आराम से ड्रॉप ड्रॉप करके पानी को मिलाइएगा, जिससे कि ये प्रॉब्लम आपको ना हो दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की तरफ कि आखिर एसिड के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। फ्रेंड्स आइए आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले एक दो तो आपको कॉमन मिलेंगे जो आपने पढ़ रखा है, एसिड्स हैव अ शावर टेस्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, मैंने पढ़ा रखा है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो अम्ल का घोल होता है ना, वो विद्युत सुचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है, ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर फोर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जब आप किसी भी एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट कराइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा एक गैस जो होती है बाहर आती है, डेट वॉज हाइड्रोजन गैस, ये बुलबुले के रूप में ऊपर आपका बाहर आपको उठती हुई निकलती हुई दिखाई पड़ेगी। कब, जब आप किसी भी अम्ल को किसी भी धातु से रिएक्ट कराएंगे, तब हमेशा हाइड्रोजन गैस जो होती है बबल्स के रूप में, बुलबुले के रूप में आपको बाहर आती हुई दिखाई पड़ती है दोस्तों। नीचे इसका एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, जेडन जिंक, जिंक एक धातु है, ये रिएक्ट करती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनता है, जेडन SO4 यानी कि लवड़ बना लेता है, साथ साथ H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बना लेता है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है कि मेटल का क्रिया जब भी होता है किसी भी एसिड के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बना लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस से मिलता है, यानी जब अम्ल क्षार से मिलता है, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर यानी कि लवड़ और जल बना देता है। जब एसिड को आप बेस से मिला देते हो तो वहाँ सॉल्ट एंड वाटर यानी लवड़ और जल बनता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको मैं एक इक्वेशन बता दे रहा हूँ, NaOH ये आपका क्या है, ये आपका है बेस, HCl ये आपका है एसिड, एसिड में मिला बेस तो क्या बना दिया, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर यानी कि जल, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट, अम्ल का स्वभाव जो होता है वो नष्ट करने वाला होता है, यानी एसिड्स हैव कोरोजिव नेचर, एसिड को आप जहाँ भी डालिएगा वो उसको कोरोजिव यानी उसको नष्ट करने के लिए रहेगा, उसको प्रयास रहेगा कि वो उसको समाप्त कर दे, उसको कोरोज कर दे, उसको नुकसान पहुँचा दे, उसको हानि पहुँचा दे, ये एसिड का स्वभाव होता है दोस्तों। तो यहाँ आपको दो तीन पॉइंट बड़े ही ज़बरदस्त मिले हैं कि एसिड जो होता है वो विद्युत सुचालक होता है, एसिड जो होता है जब आप किसी मेटल से मिलाओगे तो वहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, एसिड को अगर आप बेस से मिलाते हो तो वहाँ आपको बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, ना लास्ट एसिड का स्वभाव जो होता है वो कोरोजिव यानी कि नष्ट करने वाला होता है दोस्तों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स और एसिड्स, मैंने अभी तक इतना पढ़ाया, इनको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इस पॉइंट का, इस चैप्टर का, आज के वीडियो का आखिरी टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जरूर देखिएगा, यूजेज ऑफ मिनरल एसिड। अगर आपको याद होगा मैंने बताया है कि मिनरल एसिड जो है वो मैन मेड है, उसे इंसानों ने बनाया है, तो आखिर क्यों बनाया, उसकी क्या उपयोगिता रही होगी, कुछ तो उसका यूज होगा, तब तो हमने उसे बनाया है, तो उसका यूज क्या है, मैं इसी को बताने जा रहा हूँ, यानी यूजेज ऑफ मिनरल एसिड, यानी मिनरल एसिड का यूज कहाँ होता है, किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, आखिर हमने मिनरल एसिड को बनाया ही क्यों। ये देखते हैं यूजेज ऑफ मिनरल एसिड्स, आखिर मिनरल एसिड्स का यूज कहाँ होता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज करते हैं पेंट बनाने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में,
केमिकल बनाने में, डिटर्जेंट्स जो आप घरों में यूज करते हो, फर्टिलाइजर उर्वरक यानी खाद बनाने में, कार बैटरी, कार की बैटरी, इन चीज़ों में बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। आखिर आप देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ना होता तो हम शायद इन चीज़ों को ना बना पाते। तो कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड कितना इम्पॉर्टेंस है आपने जाना, आखिर हमने इसे किस पर्पज के लिए बनाया आपने ये भी जाना। तो ये होता है इम्पॉर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड इज नाइट्रिक एसिड। आखिर नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ होता है? सेम फर्टिलाइजर, डाइज, प्लास्टिक, इसका यूज भी खाद बनाने में, डाइज बनाने में और प्लास्टिक बनाने में यूज होता है। लास्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आखिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ होता है? ध्यान से देखिएगा, इसका यूज हम करते हैं ऑक्साइड को हटाने के लिए। ऑक्साइड की जो परत होती है, जो स्टील से बने सामानों पर ऑक्साइड की परत होती है, उसको रिमूव करने के लिए यानी उसको हटाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो टॉपिक है एसिड यानी अम्ल, वो होता है समाप्त। यानी कि चैप्टर के जो तीन पार्ट है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट, इनमें हमने आपको एसिड पूरा पूरा आज पढ़ा दिया। एसिड से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको ना आए। कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाओगे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही एसिड, बेस और सॉल्ट्स तीनों क्लासेस कंप्लीट होंगे, मैं आपके लिए ले आऊँगा क्वेश्चन का सेट, प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपके एक से बढ़ के एक क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो एसिड के हो, चाहे वो बेस के हो, चाहे वो सॉल्ट के हो। तो दोस्तों ये क्लासेस जो है यानी कि कल से 3 अप्रैल 2022 से आपके लिए कंटिन्यू चलाई जा रही है, रेलवे के प्रिपरेशन के लिए चलाई जा रही है, रेलवे ग्रुप डी के लिए चलाई जा रही है, जिसमें आपको कल से रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पढ़ाई जा रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल चुका हूं। वहां आप जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। आज उसका दूसरा पार्ट आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत जल्द मैं इसका सेकेंड पार्ट लाने वाला हूं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि बेस यानी क्षार क्या होता है। थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे हम सॉल्ट्स यानी लवण क्या होते हैं। यानी मात्र 3 वीडियो में आपका ख़त्म होता है एक चैप्टर, आपकी एग्ज़ाम में लगभग तय हो जाते हैं 3 से 4 नंबर। मैं आपको बता दूं कि अगर साइंस का 25 नंबर का वेटेज है, तो आप मान के चलिएगा कि 2 से 3 नंबर तो आपको इसी चैप्टर से आने वाले हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट से, यानी अम्ल, क्षार व लवण से। अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली तो आप रेलवे एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर अपने सुरक्षित कर पाओगे। वहीं अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को आप पढ़ते हो तो 2 से 3 नंबर आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगा एट लास्ट कि आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अपने चाहने वालों को हमारा चैनल का लिंक, हमारे वीडियोज, हमारे क्लासेस के बारे में बताएं। आप जितना हमारा प्रचार करेंगे उतनी दोगुनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोज और क्लासेस लेके आऊँगा और आपकी तैयारी को मजबूत बनाऊँगा। दोस्तों आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।